हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिग बैश लीग 2022 के 13वें मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा ब्रिस्बेन हीट और एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच। ये मुकाबला 23 दिसंबर को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग दोपहर 1:30 से द गबा स्टेडियम ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, पिच रिपोर्ट की, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, करेंगे टीम का कंपेरिजन और जानेंगे कौन सी टीम जीतने वाली है इस मुकाबले को। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। बात करें अगर इन दोनों के बीच हुए हेड टू हेड मुकाबलों की, तो इन दोनों के बीच अभी तक कुल 16 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 7 मुकाबलों में ब्रिस्बेन हीट की टीम जीती है, वहीं 9 मुकाबलों में एडिलेड स्ट्राइकर्स ने जीत हासिल की है। हेड टू हेड मुकाबलों के अकॉर्डिंग यहाँ पर दोनों ही टीमें लगभग बराबर नजर आ रही हैं। अब बात करें अगर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, इससे पहले दोस्तों आपको स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा अफरीदी भाई का। अफरीदी भाई का काम मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, ये लगातार बैक टू बैक टॉस मैच और सीजन में काफ़ी प्रॉफिट करा रहे हैं, इनकी रिपोर्ट काफ़ी एक्यूरेट रहती है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप लॉस में चल रहे हैं या प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो एक बार इनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये नंबर आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। अब बात करें अगर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, तो हमें एडिलेड स्ट्राइकर्स की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे जैक वेद्राल, मैथ्यू शॉट, क्रिस लिन, एडम होस, कॉलिन डी ग्रैंडहोम, थॉमस केली, हैरी नेल्सन, राशिद खान, वैसागर, हेनरी टॉर्नोट और कप्तान पीटर सीडल। एडिलेड की टीम देखने में काफी स्ट्रांग नजर आ रही है, क्या इस मुकाबले को जीत पाएगी। इससे पहले बात करेंगे हम क्या रहेगी ब्रिस्बेन हीट की प्लेइंग 11। तो हमें हीट की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे मैक्स ब्रायन, कॉलिन मुनरो, मैट रॉन्सा, सैम ब्लिंग, जिमी पियर्सन, रॉस वेस्टली, मिचेल निसर, जेम्स पेजली, मार्क स्टैक्टी, मैथ्यू और मिचेल स्वेपसन। दोनों ही टीमों का कंपेरिजन किया जाए तो यहाँ पर दोनों ही टीमों का टॉप ऑर्डर काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है। वहीं अगर बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो यहाँ पर बॉलिंग लाइनअप में दोनों ही टीमें लगभग बराबर हैं। बैटिंग लाइनअप में हल्का सा पड़ रहा है एडिलेड का भारी नजर आ रहा है। इन दोनों के बीच हमें 170 के आसपास का स्कोर देखने को मिल सकता है। अब बात करें अगर पिच रिपोर्ट की, तो यह मुकाबला खेला जाएगा द गबा स्टेडियम ब्रिस्बेन में, जो कि ब्रिस्बेन हीट का होम ग्राउंड है। यहाँ के फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 165 रन है, वहीं सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 151 रन है। यहाँ का हाईएस्ट टोटल 210 है, वहीं लोएस्ट टोटल की बात की जाए तो 51 है। यहाँ पर अभी तक हाईएस्ट चेस 210 हुए हैं, वहीं लोएस्ट डिफेंड की बात की जाए तो 109 है। यहाँ पर आज जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम के पास जीतने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। इस पिच पर पेस बॉलर्स स्पिन बॉलर्स के मुकाबले ज्यादा विकेट चटकाते हैं। हमने बात की दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, पिच रिपोर्ट की और हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। अब वक्त है हमारी प्रेडिक्शन का। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टॉस मैच और सेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट आपको वहां पर मिल जाती है। इसी के साथ जिस मैच की वीडियो नहीं आ पाती है उसकी प्रेडिक्शन भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब बात करें अगर अपने पर्सनल प्रेडिक्शन की, तो हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस मुकाबले में मैच विनर रहने वाली है ब्रिस्बेन हीट। हाँ दोस्तों, यहाँ पर ब्रिस्बेन के मैच जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। टॉस मैच और सीजन की कंफर्म रिपोर्ट लेने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ज्ञान कोश। पास में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले।